पार्सल ऑफिस, बाइक पार्सल करनी है जी? नहीं नहीं, पार्सल करनी है भाई। ओके थैंक यू। आगे जाके लेफ्ट। तीन तारीख का है लेकिन, तीन तारीख का टिकट नहीं है और कल के गाड़ी में भेजना है। तो किस तरह होगा कल का? परसों का टिकट है तो। हाँ परसों सुबह सुबह गया है, दुरंतो गया है तो कल लेना पड़ेगा। हाँ तो कल ही भेजेंगे। आरसी कॉपी का जीरो सब है, आरसी है तब कल लेकर आइए गाड़ी को। कहीं आज? आज नहीं होगा, 24 घंटा आगे रेल बुकिंग लेता है। परसों का डेट में बुकिंग करेगा, गाड़ी रख तक बता देना हो। ये गाड़ी गोदाम में रख दो, कीमती चीज में गाड़ी रख दिया के लेकर चल जाता। आप रखिए भाई, आप कल लेकर आइए गाड़ी। कल नकल कितने बजे बोलिए? कल सुबह आ जाइए 9 बजे। 9 बजे? हाँ फोन नंबर दीजिए आप मेरे को। टिकट कौन गाड़ी से है? मेरा दुरंतो में, 3 तारीख का। 3 तारीख का? हाँ टिकट ले लीजिएगा। टिकट है मेरे पास, एक कन्फर्म है तो एकदम कन्फर्म है। नंबर ले लीजिए, 9999 हाँ 361 हाँ 4937। चाचा नाम? ओझा बाबा। दुरंतो में ही अगर मेरा बाइक जा रहा है तो वहाँ पे मुंबई पहुँचने के बाद, ठीक है, तो हमको तुरंत मिल जाएगा क्या? तुरंत संग संग मिल जाएगा। संग संग मिल जाएगा ना, तो सबसे बढ़िया आप दुरंतो में ही भेजिएगा। दुरंतो में भेज देंगे। आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर अपनी बाइक वाया ट्रेन अगर आपको कहीं पे भेजनी होती है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी होती है, क्या पेपर वर्क होता है और कितने कॉस्ट पड़ते हैं। मेरी जो डेस्टिनेशन है इसके ऊपर तो आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी ही, बट इन केस अगर आपको कोई दूसरे स्टेट पे भी अगर आपको भेजनी है बाइक तो उसके ऊपर भी एक आपको छोटा सा टिप्स मैं आपको दूंगा। जब भी आप अपनी बाइक कहीं पे भेजो तो उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका फ्यूल जो है वो बाइक में नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बात बताऊं तो यहाँ पे मेरे को कल बोला गया था 9 बजे आने के लिए और मैं आज 9 बजे नहीं, मैं आज 11 बजे आया हूँ और ये रहे ओझा बाबा। खत्म है पूरा तेल? तो कपड़ा मारना पड़ेगा, चेक करेगा लो नो। चालू रहेगा, हम पूरा निकाल देगा तेल, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल निकालने के लिए तो फ्यूल पूरा खाली कर देंगे, वैसे भी फ्यूल है नहीं यहाँ पे, ऑलमोस्ट फ्यूल ख़त्म है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा देते हैं। लीजिए बाबा, मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम है अजीत भी। आप तेल अपने बाइक में डाल दीजिए। हाँ पूरा पूरा डाल दीजिए। टंकी खोले, भाई रे जलाने से जलेगा नहीं, होते पाइप है बस ठीक। कौन कंपनी का गाड़ी है? सीसी होगा का? ये 390 सीसी है। तो लिखिए एमटी पेट्रोल टैंक पार्टी पैक नॉट फॉर सेल, ये अपना सही कीजिए। और है क्या? हां पूरी गाड़ी बोल रहा है। दाम कितना है बाबू? यहां पे लिख दे 1% रेलवे इंश्योरेंस काटेगा। अच्छा रेल का इंश्योरेंस? अच्छा आप इसको 10,000 दिखा दीजिए, 10,000 दिखा दीजिए बाइक का दाम। और मुंबई में अगर हमको बोला तो? मुंबई में गाड़ी मेरा है भाईलू, हम दे सकते हैं, इसी कम में पकड़ लेगा। अच्छा भाईलू आपका मन का है, आप रेल को दीजिए चाहे मन। अच्छा समझ गया, मतलब अगर कुछ नुकसान हुआ तो रेल से उतना ही मिलेगा मेरे को, वही ना? नहीं रेल आपको 50 रुपया किलो देगा। 50 रुपया किलो देगा कोई भी नुकसान हुआ तो? जो नुकसान होगा आपका इंश्योरेंस देगा पूरा फुल कंपनी। अच्छा 4 लाख करने से 4 लाख के ऊपर मेरे को मिलेगा आपको 1%, 4 लाख दीजिएगा 1% का अगर रेलवे इंश्योरेंस काट लेगा तो कोई फायदा नहीं। मतलब 4,000 यहाँ बोलते हैं वो करिए। कितना करे? 10 करिए। 10,000 ठीक है। आधार कार्ड का नंबर लिखिए। 2.5 बोतल तेल निकला है, उसके बाद भी इतना तेल है मेरे बाइक में, कितने फ्लो में निकल रहा है तेल भाई, यकीन नहीं हो रहा। 3 बोतल तेल मतलब 3 लीटर तेल अभी भी मेरे बाइक में थी। हाँ स्टार्ट कर दूँ? कवर मैंने वेलिंगटन से बनवाया था और साथ में ये केली फोम भी मैंने वहीं से ही ले लिया था एज़ पर सेफ्टी, क्योंकि पता सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को मेरे लाइट्स की ही थी कि मेरे लाइट सेफली पहुंचेगी तो। हाँ 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 लीजिए बाबा।
कुछ ऐसी पैकिंग हो रही है बाइक में। तो मैंने बोला मेरी ये बग बस्टर को कवर करने के लिए, तो भैया जो है अपनी शर्ट दे दिया, बोले ये शर्ट फाड़ के इसको कवर करने के लिए। यही रहेगी, सुबह 5 बजे जाएगा स्टेशन। ऐसे घुमा करके वो गाड़ी लगा है, वहाँ पे ले जाएगा इधर से ना। फिलहाल ये गाड़ी जो है ये सुबह 5:45 में लोड होगी दुरंतो में, और मैं भी उसी गाड़ी में ही रहूँगा। और ओवरऑल देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ बार कोड लग गया है मर गया। और ये PNR है, इसका भी ले लिया। बोलिए बाबा। ओवरऑल पैकिंग बहुत अच्छी हुई है, फॉर्मेलिटी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इनफैक्ट चाचा थे हमारे साथ, जब मेरी बाइक पैकिंग हो रही थी मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा पैकिंग होगा, बट अनफॉर्चुनेटली बाइक बहुत अच्छी जो है वो पैकिंग हुई है और मैं पूरा सेटिस्फाइड। इवन आप देख रहे हो साइलेंसर तक भी जो है वो कवर हुआ है, सामने का जो बड़ा बड़ा फॉग लाइट वो भी मैंने खुला नहीं है, मतलब इंस्टॉल होके ही जा रहा है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत अच्छे से मेरी बाइक जो है पहुंचेगी। और हम तो रहेंगे सुबह आएंगे जी, और चाचा भी हैं मुलाकात होगा सुबह आएंगे, खड़ा रह के वो करवाएंगे। सो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, कभी भी गाड़ी वाड़ी कहीं भेजनी हो कॉन्टैक्ट करिए, बहुत ईजिली आपकी गाड़ी पहुँचेगी, कोई हेडेक फ्री, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस जैसा कोई बात नहीं है, सिंपली जो भी चार्जेस है कॉस्ट है वही आपको पे करना पड़ेगा। सो यही है, अभी चलते हैं बाहर और कितना क्या लगा नहीं लगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ओवरऑल मेरी तो भाई इनर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, वाइब बहुत अच्छी आ रही है, सुबह जल्दी उठूँ यहाँ पे पहुँचूँ। और मिलते हैं सीधे अपने टूरिंग डेस्टिनेशन पे जो होने वाली है वो मुंबई।